दोस्तों कल टीजर रिलीज हो चुका है किसी का भाई किसी की जान का, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कुछ टाइम पहले मतलब कुछ एक डेढ़ साल पहले मैंने जब इस मूवी के बारे में सुना था कि जो डायरेक्टर हैं इस मूवी के वो फरहाद समझी हैं, जिन्होंने अक्षय कुमार का करियर तो पूरी की पूरी तरह खराब कर ही दिया है। तो जब मुझे पता चला कि ये किसी का भाई किसी की जान भी डायरेक्ट कर रहे हैं तो भाई साहब मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने ये सोचा कि सलमान भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप खुद अपना गले में फांसी क्यों लगा रहे हैं यार, ये काम तो दूसरे लोग आपके लिए करना चाहते हैं तो आप क्यों अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा मत करिए प्लीज ऐसा मत करिए। और जब मुझे ये पता लगा कि हीरोइन पूजा हेगड़े है दोस्तों, कहने का तात्पर्य बिल्कुल सीधा साधा है, बिल्कुल नहीं घुमाऊंगा। टीजर जब मैंने देखा तो भाई साहब टीजर देख कर मैं पूरा ही लिया। मैं गया था पठान मूवी देखने, तो पठान मूवी से पहले इस टीजर को दिखाया गया, तो जब मैंने इस टीजर को देखा तो भाई साहब मैंने कहा यार क्या रापचिक मूवी है, नजरें आपकी हटेंगी नहीं पर्दे से जब आप ये मूवी देखने जाओगे। एक्शन भरपूर एक्शन, स्लो मोशन में कभी इधर से मार रहे हैं कभी उधर से मार रहे हैं, कभी छोटे बाल कभी लंबे बाल, कभी दाढ़ी नहीं है कभी। सलमान खान ने इतना बेहतरीन काम करा इस मूवी के अंदर। और ये मूवी बन कब गई भाई हमें तो पता ही नहीं चला, कब अंदर पता नहीं कहां कब कैसे तैसे कब पता ही नहीं चला है, शूटिंग चल रही है। और इस मूवी को म्यूजिक दिया रवि बसरूर ने, जी हाँ KGF में भी उन्होंने ही म्यूजिक दिया था और इन्हीं के म्यूजिक की वजह से वो मूवी अप हो गई थी। और इस मूवी में भी क्लियर क्लियर दिख रहा है कि ये इस मूवी में जो म्यूजिक दिया है वो टीजर को कैसे उठा रहा है। आप जब देखिएगा टीजर में सलमान खान जब एक जमीन पर पड़े होते हैं व्हाइट शर्ट पहन के, तो बैकग्राउंड में एक म्यूजिक होता है किसी के गाने का कुछ ऐसा बच्चे सी आवाज, यार कितना जबरदस्त लेवल वाला जो BGM लग रहा है वो। तो मैं कहता हूं कि ये मूवी अगर उठी तो भाई साहब बैकग्राउंड म्यूजिक और गानों की वजह से भी इस मूवी को पसंद किया जाएगा। बाकी सलमान भाई की तो बात ही अलग है, सलमान खान को तो लोग देखने जाएंगे, सलमान खान की वजह से लोग टिकटें खरीदेंगे, सलमान खान की वजह से लोग अपनी दुकानें बंद करेंगे, सलमान खान की वजह से लोग अपने जॉबें छोड़ छोड़ के अपने बीवी बच्चों को मूवी दिखाने जाएंगे जैसा कि पठान में हुआ था। तो भाई इन दोनों ने मतलब शाहरुख और सलमान ने दोनों ने मिली भगत कर रखी है, भाई तू खत्म करेगा तो मैं शुरू करूंगा। तो भाई लोगों कल मैंने पठान का रिव्यू दिया है, आप ये वीडियो देखो और अगर ये वाली वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।